मराठीतच बोलणार. 6 महिन्यापूर्वी ह्याच ठिकाणी अल्पवयीन मुलीवर रेप झाला होता आणि आता त्या माणूस परत आला. आता 3 दिवसापासून इथे बसतोय. त्याच्या आधी 6 वर्षापूर्वी ह्याच माणसाच्या टेम्पोने 2 वर्षाच्या चिमुकलीला इथे गाडीखाली घेतलं होतं आणि त्यात त्या मुलीचा मृत्यूपट झाला होता. सेम कंपनी 2 वेळा इन्सिडेंट झालाय 6 वर्षात आणि आता त्याने परत बोर्ड लावलेला इकडे की कामासाठी मुलं मुली पाहिजेत. हा 3 दिवसापासून नालायक माणूस रोज येऊन इथे बसतोय. आधीच त्याने 2 वेळा असे प्रकार केले तर अशा नालायक माणसाने अशा राहत्या वस्तीत आम्ही ठेवायचं कसं? पोलिसांनी सोडलं कसं? सोडलं तर सोडलं, वरून तो नालायकपणाने अजून आमच्या उरी तो येऊन उभा राहिला इथे. म्हणून आम्हाला तो कोणाकडे न्याय मागायला, आमच्या हक्कासाठी आम्ही कुठे न्याय मागायला, आम्ही स्वतःच आम्ही त्याचा बंदोबस्त केला आहे. आज आम्ही त्याला इथून हाकलेला आहे, तो पुन्हा आमच्या एरियात आलेला नाही पाहिजे. अभी भी 6 महिने पहिले उसके साथ उसको पोलिस पकड के लेके गई थी, लेकिन आज वो इतना डेरिंग करके इधर बैठा था, वो हमसे देखा नहीं गया. इसके लिए आज उसको इधर से हकल दिया है हम लोगों ने, और वापिस वो इधर दिखेगा भी नहीं. 6 महीने पहले एक लड़की का यहाँ पे बलात्कार हुआ जो यहाँ पे काम करती थी. ऐसी लड़कियों को यहाँ पे काम पर बुलाते हैं और उनके अपने गलत हरकत करते हैं. तभी किसी ने वहाँ पर इसका आवाज उठाया नहीं था, पर हमारे नवनिर्माण सेना मनसे के लोगों ने यह आवाज उठाई है. आज इथे बऱ्याच कंपन्या आहेत, या कंपन्यांच्या वर्कर लोकांचा आम्हाला खूप त्रास आहे आणि यांच्या वेहिकल सतत चालू असतात दिवसभर. आमची मुलं, आमची म्हातारी माणसं कुठे वावरणार, कुठे बसणार? तरी ह्यांचा आम्ही त्रास सहन करून सुद्धा आमच्या चाळीमध्ये 2013 माझी लहान मुलगी 5 वर्षाची गाडीखाली त्यांच्या टेम्पोखाली गेली, त्याचा आम्हाला एकही गोष्टीचा न्याय मिळाला. की हा रहिवासी रियायत सांगताना, अग्रीमेंट करताना किंवा खोली भाड्याने देताना, भाडुत्र्यासाठी तुम्ही राहण्यासाठी रूम द्या, पण कंपनीसाठी रूम देऊ नका. हे असं सगळ्यांनी, चाळवाल्याने बी सगळ्यांनी आवाज उठवला पाहिजे की कंपनीवाल्यांना को एकदा आपण टेम्पो येऊ देत नाही. टेम्पोच्या खाली अपघात झाला आणि दिवसभर सारखे भर चालूच असते, त्याच्यामुळे जे झालेले प्रकरण आहे त्याला सगळ्यांनी पाठिंबा द्यावा आणि सगळ्या सरकारने, जास्तीत जास्त सरकारने लक्ष घालावं. आणि या एरियामध्ये मोतीलाल नगरमध्ये रहिवासी एरिया आहे, तिथं कंपनी नाही पाहिजेत. मेरे 5 साल की लड़की, दोनों बहने साइकिल पे खेल रही थी, उस टाइम वो गिरी और उस इन यही कंपनी का टेम्पो था, उसने मेरे बच्ची का एक्सीडेंट किया और उस जगह पे खत्म हुई. उसके बाद उसके जो कर्मचारी थे और कोई ड्राइवर था, वो सब भाग गए. दिनेश जैन करके एक युवक है जो यहाँ पे इस सोसाइटी में रह रहा है. अब आप ये सोसाइटी घूम के देखिए कि एकदम कंजस्टेड है. यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ जिस लड़की का उस लड़के ने रेप किया था, उस बंदे ने, वो बेल पर बाहर आ चुका है, अब वो यहाँ पे रह रहा है. सोसाइटी वालों का यही एक ही सिर्फ मुद्दा है, ऐसा मुजरिम हमारे यहाँ पे सोसाइटी में नहीं चाहिए. हमारे लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, औरतें सेफ नहीं हैं, लेकिन सोसाइटी वाले इनको लीव एंड लाइसेंस पे भी अग्री कर रहे हैं, रहने दे रहे हैं. और आज एक और बड़ा हादसा हुआ है, उसको यहाँ से कहा गया कि तू यहाँ से शिफ्ट हो जा, उसके ऊपर उसने मारामारी की है और ऊपर से पुलिस को भी बुलाया है. यहाँ की सारी औरतें, यहाँ के सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत शर्मनाक एक बात है कि बेल पे आने के बाद भी उसकी इतनी दादागिरी है. एक बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होता है, उसके बावजूद भी ये इंसान इतना बेशर्म होकर इस सोसाइटी में रहता है. चूंकि ये सोसाइटी बड़े शरीफ लोगों की है, सभ्य लोगों की है, उसके बावजूद भी पुलिस ने जितनी बार भी इसको नोटिस भेजा या इसको खाली करने को बोला, ये इंसान खाली करके यहाँ से नहीं गया. इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है कि यहाँ पर एक 5 साल की बच्ची की मौत हो जाती है इसी के टेम्पो से, उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं होता. मैं प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर जल्दी जल्दी एक्शन ले और वो सरकार जो बलात्कार के नाम से, रेपिस्ट के नाम से जो पब्लिसिटी स्टंट कर रही है, उस पर कोई बड़ा कदम उठाया जाए ताकि हमारी महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, उनका समाधान हो सके. हमने 2014 से BMC माड़ा सब जगह पे कंप्लेन की थी कि ये ऐसे मनोवृत्ति का आदमी इधर नहीं चाहिए करके. तो अभी 6 महीने पहले यही बंदे ने अभी एक और केस को अंजाम दिया कि एक कुल 18 साल की बच्ची होगी, उसके ऊपर रेप किया. रेप करने के बाद अभी फिलहाल 2 महीने पहले वो जमानत पे आया. इस तरह से बिहेव कर रहा था, मेरा कोई उखाड़ नहीं सकता. मेरा पुलिस में अच्छा सेटिंग है, माड़ा में अच्छा सेटिंग है, BMC ऑफिसर को मैं पैसे देता हूँ, फायर ब्रिगेड में पैसे देता हूँ. हमने सब जगह कंप्लेंट करने के बावजूद आज भी कोई एक्शन नहीं हुआ. हालांकि BMC सीजर एक्शन लेना चाहिए, मगर BMC भी सीजर एक्शन नहीं ले रही है. तो मैं BMC को और महाड़ा प्रशासन को कहूँगा कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए और ये गाला हमेशा के लिए कमर्शियल बंद किया जाए. 2013 साल में अक्टूबर में मेरी बच्ची का यहाँ पर
दिनेश जैन मिक्सर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, उनके टेम्पो से मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था। तो उसी दरमियान बहुत सारी इन्होंने वारदात की, तो लेकिन वहाँ पर कुछ हो नहीं सका, शासन प्रशासन इनके पीछे लगे थे। इतना होने के बावजूद भी ये करा लगातार आते रह रहा है और लोगों को धमकी भी दे रहा है कि मेरा कुछ आप कर नहीं सकते हो। कोई मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन लेता है तो मैं देख लूँगा। और ऊपर से इन लोग गुंडे वगैरह लाते हैं, टेम्पो भी ज़बरदस्ती लेके आते हैं और हमको पूछते हैं तुमको क्या करना है, तुम कर लो। हमारा पुलिस प्रशासन और मीडिया वगैरह ये सब हमने मैनेज किया हुआ है माड़ा में, और पुलिस बीएमसी इनको सब मैं पैसे देता हूँ करके ऐसे रुबाब से बात करता है।